गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी शिक्षण के बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम बहुभाषिकता का अध्ययन कर रहे थे। बहुभाषिकता जो है एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान पर बल देती है, जिसमें एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के द्वारा ये अपेक्षा की जाती है कि एक व्यक्ति में यदि एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान है तो उसमें अधिगम करने की, सीखने की और या ज्ञान की क्षमता भी अधिक होगी। जो क्योंकि जब हम विभिन्न भाषाओं को सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं तो हम उसमें को उस साहित्य, उस भाषा के साहित्य को भी पढ़ते हैं, उसके ज्ञान को भी हम ग्रहण करते हैं, उसकी सभ्यता और संस्कृति से भी हम परिचित होते हैं। तो बहुभाषिकता एक बालक के में ज्ञान वृद्धि का एक प्रमुख माध्यम माना गया है, जिसके द्वारा बालक के अंदर, बालक के ज्ञान में जो है वृद्धि होती है। ठीक है, तो बहुभाषिकता मतलब बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान। तो उसमें हमने कल विशेषताएं की थी। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुभाषिकता के लाभ, बहुभाषिकता के क्या लाभ है। ठीक है, पहला इसमें लाभ है, पहला लाभ है व्यापक दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण का विकास। जब हम अपनी भाषा के साहित्य को पढ़ते हैं और फिर हम दूसरी भाषा के साहित्य को पढ़ते हैं, उससे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो हमारे अंदर एक संकुचित सोच जो होती है वो निकल कर हमारी सोच बहुत ब्रॉड माइंडेड हो जाती है, या हम व्यापक दृष्टिकोण से किसी बात को सोचते हैं। पढ़े लिखा और अनपढ़ व्यक्ति की सोच में अंतर होता है। इसका कारण क्या है? ज्ञान। ज्ञान हमारे को वस्तु की सही और गलत की पहलुओं के बारे में जानकारी देता है। तो जब हम विभिन्न भाषाओं के ज्ञान को ग्रहण करेंगे, विभिन्न भाषाओं के साहित्य को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हम, हमारा जो दृष्टिकोण है वो बहुत व्यापक हुआ, हमारी सोच जो है बहुत विस्तृत होगी। हम संकीर्णता से निकल के हम अपनी भाषा के प्रति जो लगाव रखते हैं, भाषा के कारण जो हमारे मन में हमारी चीज ही सर्वोपरि है, हमारी चीज ही को महत्व देना चाहिए, तो जब हम दूसरे साहित्य को पढ़ेंगे, दूसरी भाषाओं को जानेंगे, समझेंगे, तो हमारे हमारी सोच के अंदर जो संकीर्णता की भावना है वो भावना निकल कर एक व्यापक दृष्टिकोण का विकास होगा। और ये व्यापक दृष्टिकोण देश के विकास के लिए बहुत अनिवार्य है, देश के नागरिकों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि संकीर्णता की भावना के कारण से ही जो ये दंगे फसाद होते हैं, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, ये इस जो है छोटी सोच, संकीर्ण सोच के कारण होते हैं। और व्यापक सोच में व्यक्ति सभी के कल्याण की भावना को सोचता है, सभी को महत्व देता है, अब सभी को एक समान रख कर कार्य करने पर जो है बल देता है। दूसरा है ज्ञान में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि। जब हम विभिन्न भाषाओं का साहित्य को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो स्वाभाविक है कि हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, क्योंकि हम अपने विषय, हम अपनी भाषा के साहित्य को पढ़ने के बाद में उस भाषा के साहित्य को, ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम दो भाषाएं या तीन भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करेंगे तो हमारा ज्ञान जो है धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, और हम एक उच्च सोच, व्यापक सोच जिसको हमने पहले का विकास हमारे अंदर तभी होगा जब हम विभिन्न भाषाओं के ज्ञान को बढ़ेंगे। जब हम किसी भाषा के बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हैं, ठीक है, तो उससे संबंधित साहित्य के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामाजिक परंपराओं के बारे में भी सीखते हैं, उसकी सभ्यता और संस्कृति को भी समझते हैं, तो हमारे ज्ञान में धीरे धीरे क्या है, वृद्धि हो जाती है। सामाजिक ज्ञान जो है हमारा विस्तृत होता जाता है। जीके हमारा अन्य भाषाओं के का भी साहित्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो अन्य भाषाओं की सभ्यता और संस्कृति को भी हम जान समझ जाते हैं और हमारा सामान्य ज्ञान विस्तृत होता जाता है। तीसरा है आर्थिक विकास की संभावना,
आर्थिक विकास की संभावना। अब आर्थिक विकास की संभावना से तात्पर्य है विभिन्न भाषाओं को जानने समझने बोलने से हम अपना जीविकोपार्जन के लिए एक व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। जो दुभाषी होते हैं आपने देखा है, तो वो दुभाषी क्या काम करते हैं, ट्रांसलेटर का काम करते हैं। जब हम दूसरे जगह जाते हैं या दूसरे देश में जाते हैं जहाँ की भाषा हम समझते हैं परंतु दूसरे नहीं समझते, तो हम जो है उन राजनेताओं में या उन व्यक्तियों को उनकी भाषा को ट्रांसलेट करके बताने अर्थ बता अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके उनको अर्थ बताते हैं। तो हम उससे अब वो एक व्यवसाय के रूप में हम उसको अपनाते हैं, दुभाषिया जिसे ट्रांसलेटर हिंदी इंग्लिश में कहते हैं। तो ट्रांसलेटर का कार्य जो है हम जीविकोपार्जन के लिए अपने आर्थिक स्थिति को सक्षम बनाने के लिए करते हैं। तो जीविकोपार्जन के साधन के लिए जब हम इसका व्यवसाय का चयन करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दूसरे देश के जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या कोई भी राजनेता आते हैं जो हमारे यहाँ की भाषा नहीं समझते, तो उनके साथ ट्रांसलेटर आते हैं। जो ट्रांसलेटर क्या करते हैं, यहाँ की भाषा को ट्रांसलेट करके उनकी भाषा में उस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार हमारी आर्थिक स्थिति क्या होती है, अच्छी हो जाती है। इससे आर्थिक विकास की संभावनाएं भी प्रबल हो जाती हैं, और जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो हम कार्य को सही रूप में करने का मतलब जीवन जीने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक विकास की संभावनाएं। राजनीतिक विकास की संभावना। देश के राजनीतिक विकास के लिए ट्रांसलेटर का जो कार्य करते हैं ना, तो वो राजनेता जब आते हैं तो ट्रांसलेटर उनको भाषा में ट्रांसलेट करके बताते हैं, तो वो उस बात को समझते हैं और जानते हैं। तो इससे हमारे जो राजनीतिक संबंध होते हैं, जो एक देश के दूसरे राष्ट्र के संबंध है, वो संबंध भी हमारे क्या होते हैं, मजबूत होते जाते हैं। इससे हमारा अभी अभी वर्तमान में आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी वो जो विदेश की यात्राएं करते थे, सभी बोलते थे कि ये जब से आए तब से विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, ठीक है। पर विदेश की यात्राएं अभी हमारे इस वैश्विक महामारी के समय वह यात्राओं के माध्यम से जो उनके साथ हमारे संबंध मधुर बने थे, जो संबंध में सौहार्दपूर्ण आई थी, उसी का परिणाम है कि आज हर देश हमारी सहायता करने की कोशिश कर रहा है, सहायता कर भी रहा है। येन केन प्रकरण कैसे भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमारी को सहायता करने का प्रयास कर रहा है, अर्थात इस बीमारी में दवाइयों से लेके ऑक्सीजन से लेके किसी भी तरीके की वैक्सीनेशन से लेके वो दवाइयां हमको वो भेज रहे हैं। तो जब हमारे राजनीतिक संबंध मधुर हुए तभी उसके बाद में ये स्थिति आई कि आज हर देश हमारी जो है सहायता कर रहे हैं, या हमने भी जब उस समय उनको दवाइयों की आवश्यकता थी हमने उनकी वो सहायता करी। तो ये राजनीतिक संबंध जो है एक देश के दूसरे देश के साथ जो है मजबूत होते चले जाते हैं, यही जो है हमारे को एक देश को दूसरे देश से बांधते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता की संभावना। राष्ट्रीय एकता की संभावना। राष्ट्रीय एकता की संभावना से तात्पर्य यह है कि भारत देश में जो स्टेट है, हर स्टेट में अपनी अलग भाषा बोली और समझी जाती है, हर स्टेट वाला अपनी भाषा को महत्व देता है। तो जब हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उस स्टेट की भाषा को जब बोलना और समझना सीखते हैं तो अपने भाषा के प्रति जो लगाव का दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण हमारे अंदर कम होता है, और हम सभी भाषाओं को सम्मान की भावना से समान रूप से देखने के प्रयास करते हैं। तो इससे देश के अंदर जो भाषा विवाद उत्पन्न होते हैं
वो भाषा विवाद की संभावना क्या होती है, कम होती चली जाती है। और इस तरीके से जो एक देश एक जो राज्य दूसरे राज्य के साथ में अपने संबंधों को मधुर बनाता चला जाता है, और ये मधुरता राष्ट्रीय एकता में हर व्यक्ति को बांधने का प्रयास करती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। जो मैंने बताई दिया कि एक देश के साथ दूसरे देश के संबंध मजबूत होना वह अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना कहलाती है। सातवां है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, दूसरे देश के साथ हमारे संबंधों को मजबूत बनाने में बहुभाषिकता की अहम भूमिका मानी गई है। इसके बाद है सांस्कृतिक एकता का विकास। संस्कृति, क्योंकि जब हम दूसरे भाषा का साहित्य पढ़ते हैं तो उसकी सभ्यता और संस्कृति को जानते हैं और समझने लग जाते हैं, तो हमारी सभ्यता और संस्कृति से हम उसको कंपेयर करते हैं, तो हम कंपेरिजन करके निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी संस्कृति का मूल एक ही होता है, एक उद्देश्य एक होता है, तो हम सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और लास्ट है बौद्धिक क्षमता का विकास। बौद्धिक क्षमता का विकास, जब हम विभिन्न भाषा के साहित्य को पढ़ेंगे समझेंगे बोलेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। ज्ञान में वृद्धि होना ही बौद्धिक क्षमता का विकास कहलाता है, जो बालक को के लिए अनिवार्य है, जो विभिन्न साहित्यों को पढ़कर उसकी सभ्यता संस्कृति को जानेगा, और यही उसके जो है ज्ञान में वृद्धि का प्रमुख कारण है। ठीक है, ये आपके बहुभाषिकता के जो है लाभ हैं, जो विभिन्न भाषाओं का ज्ञान जब हम भाषाओं को सीखते समझते हैं तो हम जो है हमारे अंदर विभिन्न व्यापक दृष्टिकोण का विकास होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, संकीर्णता एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध मधुर होते जाते हैं। बहुभाषिकता के लाभ बताइए, बहुभाषिकता के क्या क्या लाभ हैं बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।